हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे शामी कबाब, जिसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है, हाथ का कुटा हुआ है। ये रूखा कीमा है, चिकना नहीं होना चाहिए। इसके लिए 200 ग्राम चने की दाल ली है। इसके मसाले के लिए हम लेंगे साबुत मिर्चें, ये 12 लाल साबुत मिर्चें, एक छोटा लहसुन की डली है, आधी प्याज मीडियम साइज की से भी छोटी है, लहसुन अदरक का टुकड़ा छोटा सा। गरम मसाले में लेंगे 2 बड़ी इलायची, 6 लौंगे, 10-12 काली मिर्चें, दालचीनी का टुकड़ा। हरे मसाले के लिए लेंगे हरा धनिया, 1 मीडियम साइज की प्याज, 3 हरी मिर्चें। इसे बनाने के लिए आप चने की दाल को आधा घंटा पहले भिगो दें, क्योंकि चने की दाल गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। भिगो देंगे तो आपकी चने की दाल इजीली गल जाएगी, 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। ये शामी कबाब मोस्टली सबको बहुत पसंद आते हैं, तो हम इसको बनाने के लिए इसमें अपना कुकर लेंगे। कुकर में आप अपना कीमा डालिए। कीमे को धो के पहले अच्छे से इसको रख लीजिए। पानी इसमें बहुत कम रखिएगा, पानी से हमें इसमें से सुखाना पड़ जाएगा। इसमें हम चने की दाल और सारा मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे और आधा कप पानी। इसे एक सीटी के बाद आप इसे 12 मिनट के लिए गलाएंगे हम इसको, फिर अपनी गैस ऑफ करेंगे। ये हमारा कीमा गल के रेडी हो गया है। हम इसमें से सारा मसाला निकाल लेंगे, ये लाल मिर्चें, लहसुन वगैरह, गरम मसाला, ये सब हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे एक तरफ। इस तरीके से आप अपना सारा मसाला इसमें बाहर निकाल दीजिए। लाल साबुत मिर्चें सारे, ये लहसुन और अदरक, इसे हम हटा देंगे, इसे फेंक देंगे। और बड़ी इलायची के हमने दाने निकाल लिए हैं, इसका छिलका भी हम हटा देंगे, क्योंकि अगर ये पिसेगा तो इसमें जो है हमारे मुंह में इसके रेशे आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, गले में फंसते भी हैं। कीमा हमारा रेडी है, गल के बिल्कुल तैयार है। आप इसे मिक्सी में चाहें तो मिक्सी में इसे आप पीस सकते हैं, वरना आप सिल पे चाहें तो आप इसे सिल पे पीस सकते हैं। तो हम अपने मसाले को पहले पीस लेते हैं, इसको रेडी कर लेते हैं कीमे को पीस कर, और इसको मसाले को इसी में मिक्स कर लेंगे पीस कर। ये हमारा कीमा पीस के एकदम रेडी है, देखिए बारीक। मैं इसको सिर पे ही पीसती हूँ, क्योंकि मिक्सी में थोड़ा आपका मोटा मोटा रह जाता है। जो मैंने आपको मसाला बताया है वो भी एकदम मिर्च एकदम सही है। आप अगर थोड़ा और स्पाइसी चाहते हैं तो आप इसे पीसने के बाद इसमें आप अपना नमक मिर्च एक बार टेस्ट कर लें, और इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मसाला और मिला लें। गरम मसाला पिसा हुआ इसमें नहीं डालें, क्योंकि गरम मसाला पिसने के बाद ऑलरेडी इसमें टेस्ट उसका ज़्यादा ही हो जाता है। आप स्पाइसी खाते हैं थोड़ा, तो इसमें पिसी हुई मिर्च और नमक इसके अंदर और ऐड कर लें। मैं भी थोड़ा स्पाइसी खाती हूँ। इसमें फिर हम अपना हरा मसाला मिला लेंगे, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, फिर इसे आप इसे अच्छे से आपस में बिल्कुल मिक्स कर दें इसको। ये हमने अपना सारा मसाला मिक्स कर लिया है इसमें। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। आधा किलो कीमे में आपके 12 से 13 कबाब बनते हैं। अगर आप
थोड़ा पतले बनाएंगे तो ज़्यादा भी बन जाएंगे। आप जिस हिसाब से अपना कबाब का साइज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब से अपना साइज़ आप रख लीजिए इसमें। अगर आप इसमें नॉर्मल मिर्ची खाते हैं तो मैंने आधा किलो कीवी में आपको 12 साबुत लाल मिर्चें बताई हैं, वो बिल्कुल एकदम सही हैं। इस तरीके से आप अपने सारे कबाब रेडी कर दीजिए। ये देखें, इस तरीके से आप अपने सारे कबाब बना लीजिए अपने। अब हम अपने पैन में ऑयल लेंगे इतना जितना कि हमारा ये गर्म हो अच्छे से तल जाए। ये तलना नहीं है, जैसे बस इन्हें सेकना है, बहुत मतलब इन्हें कोई डीप फ्राई नहीं करना है ऐसा, बस इसमें आपको अपना कबाब अच्छे से सेकने हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है और हम इसमें अपने कबाब आप लगा दीजिए इस तरीके से। इसे हम अच्छे से सेकेंगे। जब आपका तेल तेज हो जाए ऑयल आपका, तो आप इसे गैस को सिम कर लीजिए, क्योंकि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगे तो उनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये रेड रेड गुलाबी आपका पिंक हो गया है। इसी तरीके से आप पलटेंगे दूसरी साइड से, आपको सिम गैस पे इसको सेकेंगे तो इसको अंदर तक सिकेंगे, आपका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा इसमें। ये आपके कबाब एकदम रेडी हैं। आप इसे पुदीने की चटनी के साथ या टमाटर सॉस के साथ इसे सर्व करें, इसे खाएं। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, स्नैक्स के साथ, स्नैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसे दाल के साथ बना सकते हैं, बिरयानी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पुदीने की चटनी के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, पुदीने और आमी की चटनी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें, उसे शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।